और देखिए पार्लियामेंट के बाहर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी बने हुए हैं। संजीव, तस्वीरें दिखाइए जरा, क्योंकि मार्च शुरू हो गया है। यहाँ बिल्कुल, आपको मैं सीधे लिए चलता हूँ उस मार्च की तरफ। देखिए, पहले तो बैरिकेडिंग का नजारा देखिए। पहली बैरिकेडिंग तो आप देख रही होगी, दूसरे बैरिकेडिंग पर हम खड़े हैं, यानी कि पत्रकारों तक वो नहीं पहुंच पाए नेता, और नेता तक पत्रकार नहीं पहुंच पाए, इस बात का इंतजाम पूरी तरह से किया गया है। लेकिन हाथों में झंडे और बैनर लिए ये तमाम नेता 18 दलों से है, 18 विपक्ष के दल, जिन्होंने आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में ये तय किया कि ईडी के प्रति अपने रोष को दिखाने के लिए यहाँ से मार्च शुरू होगा और ये जाएगा ईडी मुख्यालय तक। ईडी मुख्यालय जो कि यहाँ से बमुश्किल 3 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक पहुंचेगा, लेकिन कहाँ, क्या वो वहां तक पहुंच पाएगा, बड़ा सवाल। क्योंकि सामने हम देख पा रहे हैं पुलिस की जबरदस्त बंदोबस्त, और ये देखिए एक के बाद एक गाड़ियां लगा कर रखी गई हैं, और पुलिस वाले आगे आकर के उन्हें ये कहते हुए कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। देखिए जिस तरह से पुलिस वाले खड़े हैं, इतना इंतजाम कर दिया गया है कि कोई भी नेता यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। आप पीछे देख रही होंगी नज़ारा, वो नॉर्थ ब्लॉक का नज़ारा है, और वहाँ के ठीक बगल में संसद भवन जहाँ से निकले हैं ये मार्च करते हुए नेता, और ये नेता अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन सामने बैरिकेडिंग लगी हुई है जो इस वक्त कैमरे में आपको दिखाई भी पड़ रही होगी, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग, और जेपीसी की मांग करते हुए, ये मांग करते हुए कि ईडी केवल ऑपोजिशन नेताओं को ही क्यों पकड़ता है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक नहीं पहुंचता है। ये तमाम नेता वहां बढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन बमुश्किल 50 मीटर दूर ही निकले हैं संसद भवन से कि उन्हें थाम लिया गया है। और यहां हम नज़ारा देख रहे हैं, प्लेकार्ड्स हाथ में लिए हुए विपक्ष के नेता, और ये नेता पुलिस वालों से बातें करते हुए और कहते हुए कि उन्हें आगे जाना है, लेकिन पुलिस वाले कहते हुए कि उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा सकता है। ये जो घेरेबंदी आप देख रही हैं, ये घेरेबंदी आज सुबह से ही यहाँ पर थी। आज सुबह जब 9 बजे हम यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि दूसरे दिनों के मुकाबले आज के दिन में बहुत ज़बरदस्त दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यहाँ लगा दी गई है, और वो तमाम गाड़ियाँ जो आप पीछे देख रही हैं जिन पर SML लिखा है, ये तमाम गाड़ियाँ उनको पकड़ कर, नेताओं को पकड़ कर गाड़ी में बंद कर उन्हें गिरफ्तार कर ले जाने के लिए है। तो ये बिल्कुल संजीव तस्वीरें हम देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।